नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज की रेसिपी में जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना प्यार दें। मेवा पाक की रेसिपी बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक नारियल का गोला ले रही हूँ और एक बॉल में मखाना ले रही हूँ और छोटी बॉल से मैं काजू ले रही हूँ और मैं एक छोटी बॉल से मैं खरबूजे की बीज ले रही हूँ और मैं बादाम ले रही हूँ एक छोटी बॉल और दो चम्मच मैं चिरौंजी के दाने ले रही हूँ। नारियल को मैं काट लूँगी दो तीन टुकड़े में और उसे मैं घिया कस में अच्छे से घस लूँगी बारीक से। मैं अब घस रही हूँ, देखिए ऐसे ही घस लेंगे हम। अब हमारे नारियल है जो अच्छे से घिस गई है। अब मैं गैस पर पैन चढ़ाऊंगी और एक चम्मच में देसी घी बड़ी चम्मच से उसमें एक चम्मच में डालूंगी और गैस का फ्लेम है जो मैं मीडियम रखूंगी और उसमें मैं काजू और बादाम को मैं 2 से 3 मिनट के लिए हल्का रोस्ट कर लूंगी। हमारे 2 से 3 मिनट हो गई है। जो काजू और बादाम है वो हल्के से रोस्ट हो गए, मैं उसे अब प्लेट में निकाल लूँगी। खरबूजे की बीज है वो डाल दूँगी और मैं फ्राई करूँगी उसमें और जो चिरौंजी के दाने हैं वो भी डाल दूँगी। अच्छे से मैं रोस्ट कर लूँगी इसे। अभी हल्के से ब्राउन हो गए हैं, मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। अब जो घी बचे हुए हैं मैं उसमें मखाना डाल दूंगी और मखाना को भी अच्छे से रोस्ट कर लूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। अब हो गए 2 से 3 मिनट में इसे मखाना भी हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई है, फ्राई हो गई है। मैं उसे भी अब मैं निकाल लूंगी और सबको ठंडे होने के लिए 2 से 4 मिनट में उसे छोड़ दूंगी। गैस पे मैं कढ़ाई चलाऊंगी और उसमें मैं एक बॉल चीनी दूंगी जो हमारी 500 ग्राम है चीनी और उसी बॉल से मैं एक बॉल पानी दूंगी और मैं गैस का फ्लेम मीडियम रखूंगी और इसे पकने के लिए मैं छोड़ दूंगी। अब जो हमारी मिक्सी में जो है वो ठंडी हो गई है, अब मैं मिक्सी में रख कर उसे पीस लूंगी। मैं मिक्सी के जार में मखाना को रखकर हल्का सा दरदरा पीस लूंगी, एक से दरदरा ही पीसूंगी। दरदरे पीस गई है। अब जो हमारे बादाम और काजू उसे भी मैं दरदरा पीस लूंगी। अब हमारे वो भी दरदरे पीस गए अच्छे से। अब जो हमारे खरबूजे की बीज है और वो जी के दाने हैं मैं उसको हाथ से हल्का से मैश कर दूंगी, जो हल्का से मैं उसे दरदरा ही रखूंगी। इसलिए हमारी चीनी जो है चाशनी में अच्छे से मेल्ट हो गई है, पक गई है। अब मैं उसमें थोड़ी से इलायची पाउडर डालूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी और मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी। अब हमारे अब 5 से 7 मिनट हो गई है, हमारी चाशनी जो है हल्की चिपचिपी हो गई है। मतलब मैं जिसमें बर्फी जमाऊंगी मेवा पाक उसको मैं प्लेट को ग्रीस कर लूंगी घी से। हमारी चाशनी चिपचिपी हो गई है, मैं इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट है और नारियल है वो सब मैं डालकर अच्छे से मिक्स कर दूंगी और मैं इसे पका रही हूँ और गैस का फ्लेम मैं मीडियम लो रखूंगी। पकाते पकाते हमारे देखिए वो जो चाशनी है वो धीरे धीरे वो गाढ़ी हो रही जा रही है और हमारे जो पैन में है वो चिपक भी नहीं रही है मेवा पाक। और ऐसे ही करके हमारी जो है अब वो तैयार हो गई है, 7 मिनट हो गई है। मैं इसे हाथ में लेके दिखा रही हूँ आपको कि ये देखिए हमारे हाथों में चिपक नहीं रही है, मतलब पेड़े जैसे बन रही है। तो ये हमारी बर्फी जो अच्छी जमेगी। अब हम इसे गैस के फ्लेम जो है बंद कर दूंगी। अब हमारी तैयार हो गई है मेवा पाक, मैं इसे प्लेट पर निकालूंगी। अब प्लेट में निकालने के बाद मैं इसे चारों तरफ से मैं इसे चम्मच से दबा दूंगी और सेट कर दूंगी अच्छे से। सेट हो गई है, मैं इसे 2-4 मिनट के लिए छोड़ दूंगी
और उसके बाद मैं बर्फ़ी के सेप में इसे काट लूँगी। अभी सेप दे दूँगी क्योंकि ये जम जाएगी तो फिर सेप बनने में हमारी दिक्कत होगी, इसलिए बर्फ़ी के सेप में इसे काट लेती हूँ। और उसमें मैं कुछ पहले ही केसर में भिगो के रखी थी और इसमें जो है मैं केसर भी लगा दूंगी। तभी लग गई है, अब मैं इसे सेट होने से 40 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए छोड़ दूंगी। हमारे 40 मिनट हो गई है, हमारी जो है बर्फी जो है मेवा पाक वो सेट हो गई है। मैं उसे अब काट के आपको दिखा रही हूँ, फिर से जो हमने बर्फी की निशान लगाई थी उसमें चाकू से निकाल रही हूँ। अब हमारी बर्फ़ी जो है अच्छी जमी है और बनी है, मैं इसे निकाल कर दिखा रही हूँ। देखिए अच्छे से जम गई है, बनी है। हमारी मेवा पाक की जो रेसिपी है वो रेडी हो गई है। फाइनली अब हमारी यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक की रेसिपी रेडी हो गई है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में बनाकर देखें और ऐसे स्वादिष्ट रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।